जी नगीना जी सुनियो, आप बताओ यकीन आया कि नहीं आया कि तुफैल को गड्डी चलानी आती है? नहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि फिर किसी लंबी ड्राइव पे जाएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, यानी कि पेट्रोल की जो टैंकी मैंने फुल कराई है उसका सत्यानाश कर लूं? कोई बात नहीं, ऐसी हजार टैंकियां आप पैसे बार के कुर्बान करके फेंक देंगे। एक बात बताऊं, ब्याह के बाद ना तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। सच कहा? जाओ, मेरा मतलब है कि कुंजा, नीलम वादी, नारायण गगन, जिधर वादी जहां कहोगी। हाँ जा, जब कह तो दिया जहां कहोगी लेके जाऊंगा, लिख के दू क्या? अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे चांद पे जाना है तो? लो जी हाथ सुटो, अगर तब तक लाहौर पर रास्ता चांद मोटरवे तमीर हो गई ना तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, बशर्तिया मोटरवे टुवर्ड्स चांद। तो फैल तुम भी ना। नगीना जी आज तो आपका मूड बहुत कॉमेडी लग रहा है। मैं गाड़ी ले गया ना। खाना क्या है? यहाँ की तवा मछली बहुत मशहूर है। ठीक है, हेलो वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि दोनों में से ज्यादा सोना कौन है, गजरे या नगीना जी? जाहिर है गजरे, मेरा मतलब है नगीना। गजरों के सामने नगीना क्या बेचती है, नगीना के सामने गजरे क्या बेचती है? कह दो एक दफा फिर। सके जाऊं? आओ मैम। रास्ता दो, बिंदिया जा जाके बाकी की नाड़ियां लेके आ। लगा दो। और ये नीलम कहाँ है? नीलम? हाँ, पानी ले आती। अच्छा, तो जाके पानी लेके आओ। नौरीन किथा हो? जा जाके तो रोटियां लेके आओ। अम्मी जान, बाबा साई आ जाइए, खाना लग गया है। अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। आज भूख भी बहुत लगी। मेरी सुगड़ थी। भाई माशाल्लाह, वाह, जो मेरी सोनी थी के हाथ में सवाद है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अच्छा, तो थोड़ी धीन को सिखाया कैसे? इसकी माँ ने सिखाया, मैंने। मेरी थी बस चंद दिन की मेहमान, उसके बाद फिर तेरे हाथ का ही खाना खावा। हालांकि सबर शुक्र करके। ना ना, ये भी तकलीफ करन दी क्या जरूरत है, अपनी धी के साथ लाहौर ही चले जाना। अब मैं खाना खाने लाहौर जाऊंगा। हैं? तो क्या हो गया बाबा सही, भरोसा वहां से पका के भेज देगी ना। पुत्र, बस कल की बात, परसों मेरे भाईजान आ जाएंगे। हाँ, ये चार दिन किस तरह गुजर गए पता ही नहीं चला। वो दिन भी आ जाएगा जब हमारी धी रुखसत होके इस घर से चली जाएगी। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, कल ये सब छोटी छोटी थी, अब माशाल्लाह। मुझे तो अभी इन सब की फिक्र है जो बाकी बची हैं। अल्लाह करे इनके भी अच्छे रिश्ते हो जाए। हाँ। तो मेरी तो परेशानी दूर हो जाए। अम्मी जान, तो सब फिक्र क्यों करें दे हो, मैं हूं ना, इस घर का दुख सदा लई मेंढा है। सत के जावा। साबर्श मेरी थी, साबर्श।
आ बेटे सारा मेरा पुत्र खाओ। ये देखे तो फैल ने मुझे लेके दिया। हाय माशाल्लाह कितने सोने लग रहे ने। अच्छा ये बता कि कहता क्या है तो फैल? कहता है कि शादी के बाद तुम्हें खूब घुमाऊंगा। और तू उसकी बातों पे घूम गई है? अरे उससे कह के माँ से बात करे। आपको तो पता है ना तो फैल का बातें बड़ी बड़ी करता है वो, लेकिन लेकिन माँ बाप के सामने ना उसकी जुबान बंद हो जाती है। नगीना पर शादी की बात तो करनी पड़ेगी ना माँ से। हाँ करनी पड़ेगी, इसीलिए आप कर लेना बात, आपकी तो बहन है वो। तू जानती नहीं है कि मेरी बहन कितनी तेज औरत है, चारों बेटों को उसने कैसे काबू करके रखा हुआ है। मुझसे तो बहुत प्यार करती है। प्यार तो सारी दुनिया से बहुत जताती है, तो ये नहीं पता लगता कि वो करती है किससे, ये नहीं पता लगा आज तक। बात है फातिमा, सांस क्यों चढ़ा हुआ है? हाय ठा के लाई हूँ, अंदर से निकाल के सांस नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा। जरा सा काम करती हो तो थक जाती हो, इसलिए तो कहता हूँ कि अब बहू ले आओ। उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये देख इतने प्यारे प्यारे जोड़े मैंने निकाले हुए, ये देख कितना प्यारा, ये वाला देख तो कितना प्यारा है, फिरोजा कितना अच्छा लगेगा। हाँ माशाल्लाह गोरी चिट्टी है, बहुत प्यारा लगेगा। लबी फातिमा, मैंने फिरोजा के लिए सबसे बेहतरीन जोड़े और जेवरात तैयार करवाने हैं। वे अब ना देर ना कर, छोड़ पड़े, बस तैयारी हो गई हमारी, हमने कौन सा चीज देना, बस तू बहू को ले आ। हाँ तो तुफैल से पूछ कर तारीख रख लेते हैं। बल्कि पूछना क्या है, अभी बुलाओ उसे, अभी बात कर लेते हैं। अब आयशा जरा तुफैल को भेजिए अंदर। जब मैंने उसे कपड़े दिखाने ना तो उसने शर्मा जाना। और जब मैंने उसे पूछना है ना तो फैल क्या ख्याल है भाई तुम्हारा ब्याह कर दें, तो आगे से पता उसने क्या कहना है? उसने कहना है अब्बा जी आप बादशाह लोग हो, ऊपर से हमारे वाला साहब हो, जो आपकी मर्जी वो करे। यही कहेगा। और फिर मैंने उसको कहना भाई ये रंग देख ले तुझे पसंद है, तुझे कोई पसंद है तो तू बता दे। उसने कहना नहीं अम्मी जी जो आपको पसंद है वही ठीक है। और फिर मैंने कहना कि चल भाई फिर तैयारी कर, मुल्तान तेरे चाचे के घर चलते हैं और तेरी शादी की तारीख लेकर आते हैं। तो उसने कहना कल क्यों अब्बा जी, आज ही चलते हैं। बुलाया सोने हो? हाँ जी को जी हो। अब मेरा हीरा पुत्र है तुफैल साहब, क्या ख्याल है आप ही शादी कर दें? वो अब्बा जी इस मौके पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। लो शेर भी आड़ला पे। सुना 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 सुना। बड़ी देर नहीं कर दी मेरे वहां बात करते करते। अब्बा जी आप बादशाह लोग हैं, ऊपर से अब्बा जी हैं, आप जो कहेंगे सर आंखों पे। देखा देखा वही बात की है ना इसने। ये देखिए तूने कपड़े ये सारे तेरी बीवी के रखे, सुन अगर तुझे कोई पसंद है तो। ओए अम्मा कहने दे, जो आपकी मर्जी है ले आए। देखा देखा देखा। चल फिर तैयारी कर पुत्र, मुल्तान चलिए। मुल्तान क्यों अब्बा जी? मुल्तान क्यों, तेरे चाचे के घर और क्यों? चाचे के घर क्या करना है? ले दस
और चाचे के घर तेरे ब्याह की तारीख लेनी है, और क्या करना है? फिरोजा के साथ? नहीं बच्ची, मैं चाचे के घर ब्याह नहीं कर सकता। क्यों भाई? हैं? अभी तो तेरे अब्बा जी ने पूछा शादी करेगा तो कहते हाँ करूंगा। फिर जी ब्याह जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन चाचा के घर में। तो फिर कहाँ करना है? फाला के घर। क्या नगीना के साथ? नगीना?